हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता और आपके लिए आज लेकर आया हूं पावर शेयरिंग का पार्ट वन। मैंने आपकी SST जो है दोस्तों वो स्टार्ट की है आपके पॉलिटी से, जिसे आप लोग सिविक्स कहते हो। तो यहां पर हम लोग आपकी पॉलिटी से उठा रहे हैं SST आपकी। इस पॉलिटी में मैंने पावर शेयरिंग का दोस्तों आपको करा दिया है पार्ट वन। अगर आपने इस पार्ट वन को नहीं देखा है तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और इसका पार्ट वन जरूर देखिए, क्योंकि आज की जो क्लास है वो इसी वीडियो के ऊपर टिकी हुई है। इस वीडियो का जो बेस होगा वो यही होगा, ठीक है। बेस जो होगा वो इसका पार्ट वन ही होगा। अगर आपको ये वीडियो देखनी है पार्ट वन जो मैंने पावर शेयरिंग का लिया है, तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेलिस्ट में, ये होगा मेरे प्रिय भाइयों, ये होगा क्लास 10th SST, ठीक है ना। तो उसमें आपको मेरी जो वीडियो है पावर शेयरिंग की वो मिल जाएगी, तो आप पहले उसको देख लीजिए। लेकिन अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज पावर शेयरिंग की सेकेंड लेक्चर। देखिए, जब मैंने आपका इसका पार्ट वन लिया था तो मैंने आपसे बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में बात की थी। हो सकता है आप में से किसी को लेक्चर नहीं पसंद आया हो, लेकिन मेरे प्रिय भाई, किसी चीज़ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारा दायित्व होता है कि उस चीज़ का बेसिक हमें पता हो। अगर हमें बेसिक ही नहीं पता होगा तो हम किस तरीके से उस चैप्टर के साथ में डील कर पाएंगे। आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ का बेसिक ही नहीं पता होगा तो उस चैप्टर को समझना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब जो मैं आज पार्ट टू लेकर आया हूँ, इसमें मैं आपसे बात करूँगा बेल्जियम की और श्रीलंका की, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि पावर शेयरिंग जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा पार्ट टू में। पार्ट वन में आपने समझा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, मतलब आपने पार्ट वन में समझा लेजिस्लेटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। आज हम लोग थोड़ा सा बढ़ा के बात करेंगे। आपको मैंने बताया फर्स्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग क्या है, मैंने आपसे कहा था पावर शेयरिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी एक देश को चलाने के लिए बहुत सारी पावर चाहिए होती हैं। अगर हम लोग उन पावर का बंटवारा कर दें, ठीक है ना, तो ये कहलाएगी आपकी पावर शेयरिंग। जैसे कि मुझे आज भारत को अगर चलाना है तो मुझे इसके अंदर मेनली तीन चीज़ें तो चाहिए होंगी। कौन कौन चीज़ें दोस्तों? ये होंगी हमारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव यानी कि वो जगह जहाँ से आपके देश के लॉ बनते हैं, एक्ट बनते हैं। अगर हम लोग बात करें हमारे देश में लॉ कौन बनाता है, तो बनाता है दोस्तों पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की दो बॉडीज़ होती हैं जो ये काम करती हैं। हम लोग एक बॉडी को कहते हैं दोस्तों लोकसभा, दूसरी बॉडी के लिए कहते हैं हम लोग राज्यसभा। फिर आती है दोस्तों एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में दोस्तों हमारे यूनियन मिनिस्टर्स आते हैं, जितने हमारे केंद्रीय मंत्री होते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारे कानून मंत्री हो गए और IT मिनिस्टर हो गए और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हो गए और हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो गए। आज आपने देखा ही होगा कि हमारे राफेल जो है हमारे भारत देश में आ रहा है, ठीक है। तो उसका जो फ्रांस के साथ में जो बातचीत किया होगा वो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने किया होगा। इसी तरीके से दोस्तों हमारे होते हैं होम मिनिस्टर, जो कि इसमें प्रेजेंट टाइम में अमित शाह जी हैं। तो ये सारे यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, इन्हें हम एग्जीक्यूटिव के अंदर काउंट करते हैं। फिर आपके दोस्तों प्रेसिडेंट होता है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट जी होते हैं। फिर आपके कैग होता है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके PMG जो है वो खुद एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, ठीक है ना। PM, क्योंकि PM भी क्या होते हैं दोस्तों, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोस्तों वो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया, मैंने आपको बोला कैबिनेट मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं दोस्तों वो आपके जो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर का ही पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिनिस्टर का ही पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं जुडिशरी। जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो यहाँ पे हमने किसी एक देश को चलाने के लिए इसका तीन हिस्सों में बंटवारा कर दिया। लेजिस्लेटिव अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है और जुडिशरी अलग है, ठीक है। हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ताल मिला के काम करते हैं, मतलब एक साथ काम करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे जुडिशरी इन दोनों से एक सेपरेट बॉडी होती है, ठीक है। उसका एक अलग सिस्टम है, वो पूरी एक अलग बॉडी होती है। तो यहाँ पे जो दोनों बॉडी हैं आपकी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और तीसरी जो आपकी जुडिशरी है, इन तीनों के बीच में देश को किस तरीके से चलाना है, इस बात की पावर का शेयरिंग हो रखा है। अगर आप मान लीजिए हमारे भारत देश के अंदर ऐसा नहीं होता, हम तीनों पावर एक ही हाथ
साथ एक बंदे के हाथ में देते हैं, यानी हमारे यहाँ होता है अगर मोनार्की सिस्टम यानी कि राजाशाही सिस्टम। अब जब मोनार्कियल सिस्टम होता हमारे देश में, राजाशाही सिस्टम होता, तो जो राजा होता वही लेजिस्लेटिव होता यानी कानून बनाता, वही एग्जीक्यूटिव होता यानी कानून को इम्प्लीमेंट करवाता। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, कानून को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। लेजिस्लेटिव ने कानून बना लिया, अब उस कानून को इम्प्लीमेंट भी तो करवाएगा कोई ना कोई, ठीक है, तो वो कराते हैं एग्जीक्यूटिव। फिर क्या पता जो कानून बना है वो सही है कि गलत है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है, तो इस बात को चेक करती है हमारी जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब ये अगर हमारे देश के अंदर ऐसा ना हो तो क्या होगा दोस्तों, अगर हमारे यहाँ भी राजाशाही होती, ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पे क्या होता दोस्तों कि जो राजा होता उसके हाथ में तीनों पावर चली जाती, और जब उसके हाथ में तीनों पावर चली जाती तो यहाँ पे आपको देखने के लिए ये मिलता दोस्तों कि उसकी जो फैमिली होती, उसका जो परिवार होता, उसी में सबके सब पावर बढ़ जाती। उसी का कोई एक मेंबर दोस्तों राज्यसभा में बैठता, उसी का कोई मेंबर लोकसभा में बैठते, चचा ताऊ उसी के, कोई फैमिली परिवार के लोग जुडिशरी में जाके बैठते, उसी के कोई फैमिली के मेंबर दोस्तों एग्जीक्यूटिव को चलाते। इससे होता क्या कि देश की जितनी पावर है वो सब एक घराने के हाथ में आ जाती, और जब एक घराने के हाथ में आ जाएगी तो यहाँ पे जो भला होगा वो एक ही घराने का होगा। आप लोग देखते होंगे कि हम लोग महिलाओं के लिए रिजर्वेशन देते हैं, ठीक है ना, हम लोग गरीब लोगों के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए रिजर्वेशन देते हैं। इनको हम लोग क्यों रिजर्वेशन देते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों के लिए पोस्ट मिले बढ़िया से बढ़िया, ये लोग भी सर्विस के अंदर आएं, ये भी DM इनकी सबके पदों पे पहुँचे, SOCO बने, ये भी IIT में पहुँचे, ये भी NEET में पहुँचे, जिससे कि आप जब ये NEET वगैरह डॉक्टर वगैरह बनेंगे या फिर IIT इंजीनियर बनेंगे या फिर आपके DM ST बनेंगे, तो इससे दोस्तों उनका भला हो, क्योंकि इनके पास सैलरी आएगी, अच्छी खासी मोटा सैलरी आएगी, और जब मोटी सैलरी आएगी 50-60-70 हज़ार जो भी है, जब वो सैलरी आएगी तो इससे ये क्या करेंगे दोस्तों, अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, जो ये अभी तक लीज डेवलप है फिर अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग राजाशाही को देखें तो यहाँ पे तो जितनी पावर्स होती है वो एक ही परिवार के हाथ में चली जाएंगी, और जब एक ही परिवार के हाथ में चली जाएंगी तो होगा क्या कि जितने भी पद होंगे, जितने भी पोस्ट होंगी, वो सब एक ही परिवार की होंगी, यानी उन्हीं को सैलरी मिलेगी और वो ही अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो और भी चारों तरफ उनके जो लोग रहते हैं, जो राजा, जो उनकी प्रजा है, वो एक तरीके से उस परिवार के दोस्तों नौकर बन के रह जाएगी, ठीक है, उन्हीं की गुलामी करेगी, उन्हीं की नौकरी पर, उनकी दया पर वो जिएगी। लेकिन आप लोग सोच के देखो कि अगर हमें एक देश ऐसा बनाना है जिसके अंदर सबों का भला हो, जिसके अंदर सब अच्छे से रहे, इसके लिए हमें एक ऐसा देश बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम सब लोगों को अधिकार दे दें, जैसे प्रेजेंट टाइम पर इंडिया में है। इंडिया में DM कोई बन सकता है, SDM कोई बन सकता है, CM कोई बन सकता है, कोई दोस्तों कुछ भी बन सकता है, बस उसमें स्किल्स होनी चाहिए, उसमें कला होना चाहिए, बस उसका जो है दोस्तों ब्रेन अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, कोई कुछ बन सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर एरिस्टोक्रेसी होती, हमारे यहाँ पे अगर राजाशाही होती, तो हमारे यहाँ पे अगर एक राजा होता तो क्या आप वहाँ पे जाके दोस्तों जो उनके पद होते हैं, जो उनकी पोस्ट होती हैं, इंपॉर्टेंट डिमांड पोस्ट होती हैं, क्या वहाँ पे आप लोग जा पाते दोस्तों? नहीं जा पाते, क्योंकि होता क्या है कि जितने भी वो लोग होते हैं ना राजा, वो उनके जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी उनके गवर्नर्स होते हैं, उन सबको वो अपनी फैमिली से ही दोस्तों चुनते हैं, कहीं बाहर से नहीं चुनते। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि उन्हें चाहिए होता है भरोसा, ठीक है, वो भरोसेमंद आदमी को ही पोस्ट में बैठाते हैं, ऊँची ऊँची पोस्टों पे, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में दोस्तों क्या होता है कि हर एक बंदे को मौका दिया जाता है, अच्छा आपको PM बनना है, आप भी PM बन लीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा अमेरिका का केस, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर जो ब्लैक लोग हैं उनके साथ में बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि बराक ओबामा जी जो हैं वो 8 साल जो है, यानी कि 2 बार जो है प्रेसिडेंट रहते हैं अमेरिका के, जबकि वहाँ पे जो ब्लैक लोग हैं उनको पसंद नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप यही देखो राजाशाही में होता, अगर अमेरिका में राजाशाही चल रही होती तो क्या कभी बराक ओबामा जी प्रेसिडेंट बन पाते? कभी प्रेसिडेंट नहीं बन पाते। वहाँ पे जो राजा होता उसका पुत्र प्रेसिडेंट बनता, उसका पुत्र। जो ओबामा होते जो बहुत ही लीज डेवलप हैं वो कभी भी नहीं बन पाते दोस्तों यहाँ के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है देश के अंदर एक एक बंदे का भला करने के लिए, क्योंकि राजाशाही में क्या है कि एक ही परिवार के हाथ में सारी शक्तियाँ चली जाती हैं, एक ही परिवार के हाथ में सारी पावर होती हैं, फिर वो जिस तरीके से उन पावर को एंजॉय करना चाहता है वो वैसे एंजॉय
करता है। और सीधी सी बात है, आप अगर एक ही परिवार के हाथ में सारी पावर दे दोगे तो वो अपनी सुख सुविधा के लिए जीवन भर जीता रहेगा। लेकिन अगर हम लोग कह दें कि देश के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबों को अधिकार है कि आओ, जिसके अंदर स्किल है वो PM बन जाओ, जिसके अंदर स्किल है वो CM बन जाओ, जिसके अंदर स्किल है वो DM बन जाओ, जिसके अंदर स्किल है वो SDM बन जाओ, जिसके अंदर स्किल है वो CUSO बन जाओ, तो ऐसे करके क्या होगा कि हर बंदे को डेवलप होने का मौका मिलेगा। जैसे कि आप मान लो एक पर्सन ऐसा है जो दिन का 200 रुपये कमाता है, तो वो कैसा बंदा है? वो लीस्ट डेवलप बंदा है, क्योंकि 200 रुपये कमाना और फिर इसको एक दिन के ऊपर खर्च करना दोस्तों बहुत मुश्किल बात है। 200 रुपये पर डे जो कमा रहा है उसका खर्चा दोस्तों बहुत ही मुश्किल से निकलेगा, क्योंकि आजकल इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि 200 रुपये में कुछ नहीं होता। तो ऐसा बंदा को अगर डेवलप होना है तो राजाशाही में तो वो डेवलप कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसको कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट मिलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ तो भैया राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, और फिर जो परिवार है उसी के हाथ में सारी पावर दे दी जाएंगी। लेकिन हमारे भारत के अंदर क्या होगा कि अगर वो बंदा चाहता है कि मैं खुद को डेवलप करूँ तो वो क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, ठीक है ना। अब पढ़ाई यार देखो वो महंगा इंस्टीट्यूट तो नहीं ज्वाइन कर पाएगा, लेकिन सेल्फ स्टडी नाम की चीज़ वो कर ले जाएगा, ठीक है। अगर जुनून है आपके पास दोस्तों, अगर चाह है तो आपके पास राह भी होती है, ठीक है। फिर जब चाह होती है तो कोई कहता है राह भी होती है, तो चाह है तो वहाँ राह है, तो भगवान कोई ना कोई राह वहाँ दिखाई देता है, तो आपको वहाँ राह मिल जाएगी और आप आराम से DM बन सकते हो। अब जब आप DM बनोगे तो आपकी महीने की सैलरी हो जाएगी दोस्तों लगभग 1 लाख रुपए के आसपास। जब 1 लाख रुपए के आसपास सैलरी हो जाएगी तब तो आप दोस्तों डेवलप हो जाओगे, बस एक क्वार्टर होगा अपनी गाड़ी होगी तो फिर आप लीज डेवलप नहीं दोस्तों डेवलप हो जाओगे। तो डेमोक्रेसी में ज़रूरी ये है, डेमोक्रेसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें मौका देती है हर व्यक्ति के लिए गरीब से अमीर होने का। लेकिन जो राजाशाही है उसमें ऐसा मौका नहीं दिया जाता है, उसमें आप जो कर रहे हैं आपके परदादा वह भी आप करो, वह फिर आपके बेटे करेंगे, बेटे के बेटे वही करेंगे, यानी कि पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, लेकिन जो सोशल बैकग्राउंड होता है वो कभी ऐसे लोगों का जो राजाशाही में जीते उनका बैकग्राउंड नहीं बदलता है। तो इसीलिए जो पावर शेयरिंग है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैंने जितनी रामायण बताई हो सकता है आपको नहीं समझ में आई हो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दूंगा, दो कंट्रीज़ का, बड़ी प्यारी प्यारी कंट्रीज़ हैं। एक है दोस्तों बेल्जियम और एक है हमारी पड़ोसी जिसका नाम है दोस्तों श्रीलंका। अगर आपने इनका एग्जांपल समझ लिया तो समझो आप समझ जाओगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। पावर शेयरिंग जो होती है वो क्यों ज़रूरी होती है, तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ बेल्जियम पे और श्रीलंका पे, और इनका मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ अगर आपके अब भी नहीं समझ में आया कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी होती है। जैसे ही आप इनका एग्जांपल ले लोगे ना दिमाग के अंदर घुस जाएगा तुम्हारी कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो जितना मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया इट इज़ मोर देन इनफ आपको ये समझने के लिए कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। लेकिन तब भी होता है कभी कभी बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो कोई बात नहीं, आपकी किताब के अंदर बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी दे रखी है। मैं बहुत ही इंटरेस्टेड बना के उसको आपके सामने प्रेजेंट करूँगा जिससे कि आप समझ पाओ कि वाई इज पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, तो चलो मैं आपको एक प्यारा सा नक्शा दिखा देता हूँ जिससे आप लोग ये समझ पाओ कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द स्टोरी ऑफ बेल्जियम। देखो अगर आप लोग बेल्जियम को देखोगे तो बेल्जियम का जो नक्शा है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दोस्तों शो हो रहा होगा। दिस इज द मैप ऑफ बेल्जियम, ठीक है। अब तो दोस्तों आपके बेल्जियम था ना उसके अंदर एक बहुत बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या क्या थी आप ये समझिए, आपको को समझ में आ जाएगा कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। देखिए जो आपको ये दिख रहा है ये रेड वाला पोर्शन, ठीक है, रेड वाला पोर्शन, ये वो लोग थे बेल्जियम में जो लोग दोस्तों फ्रेंच स्पीकिंग थे। कौन थे? फ्रेंच स्पीकिंग। आपको जो लाल वाला ऐसा दिख रहा है इस लाल वाले हिस्से में दोस्तों वो लोग रहते थे जो क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। क्या बोलते दोस्तों? आपकी फ्रेंच। ये वाला पोर्शन जो है आप जितना मैं डिमार्केट कर रहा हूँ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दे आर दोज पीपल हु स्पीक द फ्रेंच, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे दोस्तों ये जो ऊपर वाला एरिया है जो हल्का सा पीला कलर का है, यहाँ पे दोस्तों वो लोग रहा करते थे जो दोस्तों डच बोलते थे। क्या बोलते थे? डच भाषा बोलते थे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें आज से कई सालों पहले देखें अगर हम लोग मैप देखें बेल्जियम का, तो आपको उस मैप के अंदर ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो लोग फ्रेंच बोलते थे वो लोग संख्या में ज़्यादा थे और जो डच बोलते थे वो संख्या में कम थे। अब संख्या में ज़्यादा वाले लोग हो गए दोस्तों आपके डच फ्रेंच बोलने वाले और कम हो गए आपके डच बोलने वाले। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब भी इलेक्शन होंगे तो आपको पता है जीतना कौन है, जीतना है दोस्तों आपका फ्रेंच स्पीकिंग, ठीक है ना। कौन जीतेगा? आपका फ्रेंच बोलने वाला।
अब जब फ्रेंड जैसे आपके यहाँ होता नहीं, किसी ऐसे कोई एक गाँव है, अब गांव के अंदर मान लो दो कास्ट हैं, एक बनिया है एक पंडित है। अब इलेक्शन में खड़ा हो जाए आपका मान लो पंडित, और पंडित जो है गांव में 70% हैं, तो आपको पता ही क्लियर कट रिजल्ट कि जीतना किसे, जीतना पंडित के लिए है। क्योंकि हम लोग जो वोट देते हैं वो कास्ट बेस वोट देते हैं। वैसे वोट तो देना चाहिए हमारे लिए स्किल बेस, हमें ये देखना चाहिए कि बंदे में कितनी स्किल है, ये हमें कितना डेवलप करा सकता है। बट ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग जो वोट करते हैं इलेक्शन में कास्ट को देख के करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से इन लोगों ने जो पोस्ट किया वोट किया होगा वो किया होगा लैंग्वेज को देख के, ठीक है। देखो होता क्या है यार, अगर हम लोग सेम लैंग्वेज के हैं तो एक आपस में कनेक्शन रहता है, ठीक है, एक कनेक्टिविटी रहती है, आपस में कुछ अपनापन सा फील होता है। तो यहाँ पर ये जो बहुत बड़ी संख्या में जो आप लोग देख पा रहे हो, ये लोग वो हैं जो दोस्तों फ्रेंच बोलते थे, और ऊपर आप देख रहे हो नक्शे में ये लोग बहुत जो डच बोलते थे। अब आप लोग ये सिनेरियो अज्यूम करो कि यहाँ पर अगर इलेक्शन हो जाए, तो यहाँ पे इलेक्शन होगा तो यहाँ पे किसकी पार्टी बनेगी? बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, फ्रेंच वालों की। जो लोग फ्रेंच बोलते होंगे उनका जो लीडर होगा उसकी पार्टी बनेगी, वो गवर्नमेंट बना लेगा। और जब वो गवर्नमेंट बना लेगा तो होगा क्या, यहाँ पे किसके पक्ष में काम किया जाएगा? तो दोस्तों वो काम किया जाएगा फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के पक्ष में। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं हूँ, ठीक है, अब मैं आज मान लीजिए खड़ा हो जाता हूँ बरेली से मेयर के पद पे। अगर मैं मेयर के पद पे खड़ा हो जाऊँगा और मेरे लिए एक धड़ है, एक मेरे लिए कास्ट है, मान लो हिंदू लोग हैं, अब हिंदू लोग मेरे लिए वोट कर रहे हैं, ठीक है ना, मुस्लिम बहन भाई मुझसे किसी बात से नाराज़ हो गए हैं, तो वो लोगों ने कहा कि नहीं सज्जन को वोट नहीं करना है, ये बेकार आदमी है, उसको वोट नहीं करेंगे। हिंदू भाइयों ने कहा कि बहुत ही बढ़िया आदमी है, इसको हमने वोट करना ही करना है, ठीक है। तो अब हिंदू भाई मेरे को वोट कर देंगे, मुस्लिम भाई मेरे को वोट नहीं करेंगे। अब मैं सत्ता में आया हूँ हिंदू भाइयों की वजह से, तो मैं काम भी किसके लिए करूँगा? हिंदू भाइयों के लिए करूँगा। मैं चाहूँगा कि अगर मुझे पावर में रहना है, मुझे अगर मेयर बने रहना है, तो उसके लिए ज़रूरी है मैं हिंदू भाइयों के लिए समय समय पर खुश करता रहूँ, इन द सेंस जो उनकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करता रहूँ। अगर वो चाहते हैं किसी जगह टेंपल बनवाना है तो मैं टेंपल बनवा दूँ, अगर वो चाहते हैं कि किसी कॉलोनी में रोड पड़वानी है तो मैं रोड पड़वा दूँ, जिससे कि वो मेरे को अगले इलेक्शन में वोट कर दें और उन्हीं के दम पे मैं फिर से मेयर बन जाऊँ। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि उनके जो भी इंटरेस्ट है मैं उनको फुलफिल करूँ। तो यहाँ पे जो ये फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के जो दोस्तों बने होंगे गवर्नमेंट में जो आए होंगे, उन्होंने क्या किया होगा कि फ्रेंच वाले लोगों का दोस्तों भला करा होगा, उनकी जो इच्छाएं थी उनकी पूर्ति करी होगी। लेकिन जो पीले वाले लोग थे, सॉरी वो लोग थे जो डच बोलते थे, इन लोगों का भला यहाँ बिल्कुल भी नहीं करा होगा। अब जब ऐसा होगा तो होगा क्या कि जो आपके दोस्तों फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं इनका डेवलपमेंट होगा, लेकिन जो डच स्पीकिंग पीपल हैं इनका डेवलपमेंट बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगा। अब ये जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, सीधी सी बात है, इनके लिए फ्रेंच जो गवर्नमेंट बनी होगी वहाँ की, जो कि फ्रेंच को सपोर्ट कर रही होगी, इनके लिए स्कूल भी खुलवाएगी, इनके लिए अच्छी एजुकेशन देगी, अच्छा अस्पताल देगी, सारी चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी करेगी, लेकिन डच के लिए वो इतना अच्छा काम नहीं करेगी। क्योंकि उसे पता है कि हमारे लिए डच लोगों ने तो वोट दिया नहीं है, और हमारे लिए वोट दिया गया तो उसको फ्रेंच के द्वारा, और मैं जो हूँ हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो हूँ, मैं पीएम हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, जो भी हूँ, मैं खुद किससे आता हूँ दोस्तों? फ्रेंच से आता हूँ, फ्रेंच मैं भी बोलता हूँ, और फ्रेंच लोगों की बदौलत ही मैं आज इस पोस्ट पे पहुँचा हूँ। तो इट इज़ क्लियरली डिमार्केटिंग दैट कि मैं भला करूँगा फ्रेंच का, डच लोगों का भला नहीं करूँगा। इक्का दुक्का काम कर दिया वो एक बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर मेरा विशेष फोकस रहेगा फ्रेंच की तरफ के लिए। इससे होगा क्या, जो डच वाले लोग हैं दोस्तों वो पिछड़ जाएंगे, डच जो हैं वो पिछड़ जाएंगे, और होगा क्या कि जो डच लोग होंगे वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। अब जब ऐसा होगा तो क्या करेंगे डच लोग, गवर्नमेंट से कहेंगे कि सर हमारी तरफ भी कुछ ध्यान दे लो यार, आप लोग फ्रेंच वाले लोग, चलो आप मानते हैं कि आप फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने आपको बनाया है हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, और आप इस पद पे काबिज हो, आप खुद भी फ्रेंच बोलते हो, आप खुद भी इसी सोसाइटी से आते हो, लेकिन यार ऐसा तो नहीं है ना कि आप हमारे लिए भूल जाओ, तो हमारे लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आप फ्रेंच लोगों के लिए स्कूल बनवा रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो अच्छी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करा रहे हो, और आपका रोड वोड बिछवा रहे हो बढ़िया करके, लाइट वाइट लगवा रहे हो उनके रोडों पे, तो सर थोड़ा बहुत हमारी तरफ भी देख लो यार, हमें भी कोई बुराई नहीं है, हम भी देखो ऐसे ही दिखते हैं जैसे वो दिखते हैं, वो ही मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, बट द डिफरेंस इज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर इनसे कहेंगे, जब डच वाले लोग फ्रेंच से ऐसा कहेंगे तो फ्रेंच वालों को रियलाइज़ होता है, फ्रेंच के जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं फ्रेंच गवर्नमेंट के, वो कहते हैं यार हाँ बात तो सही है। ऐसे तो होगा क्या कि चलो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन हो गए, तो मैं बन गया हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन इससे होगा क्या दोस्तों,
कि इस डेमोक्रेसी का जो मेन आइडिया है, अगर आपने अब्राहम लिंकन को सुना होगा या फिर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपसे उसमें भी कहा था कि दोस्तों डेमोक्रेसी का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है हर बंदे का डेवलपमेंट करना, ठीक है ना। हर बंदे को जो लीस्ट डेवलप का टैग है वो हटाना और उसको डेवलप बनाना, यही उद्देश्य होता है दोस्तों डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी क्या करती है, बड़ी बड़ी जो पार्टी होती है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, उनसे टैक्स लेती है और वो जो रुपया इकट्ठा होता है टैक्स से, उसी से दोस्तों वो गरीब लोगों के लिए प्रोग्राम बनाती है, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा गरीब कल्याण योजना चली, इसके अंदर 500 रुपये हर महिला के अकाउंट में आ रहे हैं ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड। ये जो कोरोना पीरियड चल रहा है, इस कोरोना पीरियड में जो हमारे पीएम साहब ने अनाउंसमेंट किया है कि जितनी महिलाएं हैं हम हर एक महिलाओं के खाते में 500 रुपये डालेंगे, ठीक है। आप आ भी रहे हैं, अभी ये 500 रुपये कहाँ से आए, इन्हें मोदी जी ने तो अर्न किया नहीं कहीं से। तो मोदी ने क्या करा, जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, इन पर टैक्स लगाया और टैक्स लगा के वो जो पैसा इन्हें कमाया वो दे दिया गरीब लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी मोदी जी ने 500 रुपये को बांट की कोशिश की, जो लीस्ट डेवलप लोग हैं वो भी अपने आप को दोस्तों इस मुश्किल की घड़ी में डेवलप कर पाएँ, रोटी पानी राशन वगैरह से परेशान ना रहें, वो भी परचेज कर पाएँ, ठीक है। तो ये काम होता है डेमोक्रेसी में। तो यार जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने यार सोचा, यार अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी जिस लिए हम लोगों ने देश में इम्प्लीमेंट की थी उस देश से, तो हम लोग यार बहुत दूर चले जाएंगे। तो फिर यहाँ के जो लीडर्स थे वो बैठे और उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा, आज से हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे डच बहन भाई हैं उनके लिए भी हम लोग इक्वलाइट देंगे। अगर फ्रेंच कॉलोनी है उसके अंदर कोई भी रोड बिछ रहा है, कोई भी लाइटिंग लग रही है, तो हम लोग साइमल्टेनियसली वही काम डच में भी करेंगे। यानी कि जो डिफ्रेंसिएशन आज तक हम लोग कर रहे थे, अंतर कर रहे थे, वो हम लोग अंतर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो अब मैं आपको ले जाता हूँ सीधे मेरे नोट्स पे, ठीक है। मैंने बेल्जियम के नोट्स, चलो अच्छा श्रीलंका और बता देता हूँ, फिर सीधे नोट्स पे ले जाता हूँ। एक बार आप श्रीलंका और देख लीजिए, ठीक है। चलो श्रीलंका का ये प्यारा सा मैप है, आप जानते हो श्रीलंका हमारा पड़ोसी है और श्रीलंका आप लोग देख ही रहे हो कि यहाँ पे है हमारा भारत का पड़ोसी है। अब देखो जो श्रीलंका था ना दोस्तों, इसमें आपके दो तरीके के लोग रहते थे, एक तो दोस्त रहते थे सिंगली और दूसरे रहते थे आपके दोस्तों तमिल। कौन कौन से, सिंगली और आपके तमिल, दो तरीके के लोग रहते थे यहाँ पर, सिंगली और तमिल। और तमिल भी दो प्रकार के हुआ करते थे दोस्तों, इंडियन तमिल और मुस्लिम तमिल। कौन कौन से तमिल होते थे, इंडियन तमिल और मुस्लिम तमिल। तो श्रीलंका में दो प्रकार के लोग रहते थे आपके दोस्तों, सिंगली और तमिल। और तमिल भी दो प्रकार के होते थे दोस्तों आपके, इंडियन तमिल, ये वो थे जो भारत से आए थे, और ये होगा दूसरे दोस्तों मुस्लिम तमिल। तो ये रहा करते थे। अब देखो आप ये मैप देखो, इस मैप में जितना पीला पीला पोर्शन है वो पोर्शन वो है दोस्तों में सिंगली लोग रहते हैं। कौन से रहते हैं, सिंगली लोग रहते हैं। ये पीला पीला पोर्शन मैं डिमार्केट किया आपके सामने, और आप जो पोर्शन देख रहे हो दोस्तों अभी जो मैं डिमार्केट कर रहा हूँ, यहाँ रहते हैं दोस्तों आपके तमिल। कौन रहते हैं, आपके तमिल लोग। और ये रहा आपका ये वाला पोर्शन, आप ये देख रहे हो पूरा, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, और आप ये देख रहे हो, और ये देख रहे हो, और आप ये देख रहे हो। यानी कि यहाँ से हम लोग इतना कंक्लूड कर सकते हैं जो सिंगली लोग हैं वो नंबर में ज़्यादा हैं और जो तमिल लोग हैं वो नंबर में कम हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कोई मान लीजिए इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन में आप अच्छी तरीके से जानते हैं गवर्नमेंट किसकी बनेगी, सिंगली की बनेगी, कभी तमिल की तो बनेगी नहीं, क्योंकि तमिल लोग जनसंख्या में बहुत कम हैं, इसी वजह से इनकी जो गवर्नमेंट है वो नहीं बन पाएगी। अब जब भैया इनकी गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी तो आप लोग समझ सकते हैं आगे क्या होगा। आगे ये होगा जो सिंगली लोग होंगे वो भला करेंगे सिर्फ सिंगलियों का, ठीक है। सिंगलीस जो होंगे सिंगलीस का ही भला करेंगे, और जो तमिल लोग हैं ये उनको कोई भी राइट कोई भी अधिकार जो है वो देने से बचेंगे, उन्हें कोई भी राइट कोई भी अधिकार जो है वो नहीं देंगे। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना, हाँ नहीं देंगे, या फिर अगर देंगे भी तो ऐसे देंगे कि श्रीलंका वालों को दे दिए, सॉरी तमिल को दे दिए 100%,
और सिंगली को दे दिए 5000%, ठीक है, यानी जस्ट उनसे 50 गुना ज़्यादा। तो ऐसे करके दोस्तों दिए जाएंगे, राइट्स अगर दिए भी जाएंगे तमिल्स के लिए तब। तो यहाँ पर दोस्तों देखा गया यार कि तमिल जो हैं, तमिल लोग जो थे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगे, और तमिल लोग बहुत कम डेवलप होने लगे, सिंगली लोग ज़्यादा डेवलप होने लगे, क्योंकि इलेक्शन हुए, इलेक्शन में सिंगली की गवर्नमेंट बनी, और जब गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने भला करना शुरू कर दिया सिंगलियों का, और तमिल को उन्होंने दरकिनार कर दिया। उनके लिए कोई खास पॉलिसी जो थी वो नहीं बनाई, उनके लिए कह दिया कि भैया जाओ, गवर्नमेंट अभी हमारी है और हम आपके लिए कोई भी राइट नहीं देंगे। इससे आपको पता है तमिल लोग क्या करेंगे, तमिल लोग हो जाते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा गुस्सा, वो कहते हैं यार ये तो सिंगली लोग, तुम्हारी बात बहुत ज़्यादा गलत है, अब आप लोग एक देश के अंदर रह रहे हो यार, तो आप लोग अपनी कम्युनिटी वालों का भला कर रहे हो, अपनी लिंग्विस्टिक को भला कर रहे हो, अपनी जो तुम्हारी भाषा बोलती है उनका भला कर रहे हो, तो हमारे भी तो हमारा भी तो भला करो यार, ये बड़ी गलत बात है यार, ऐसा ना करो यार। जाते हैं तमिल लोग सिंगली के पास, उनसे कहते हैं प्रभु देखो यार को देख लो, सही है हमारे साथ ऐसा मत करो यार, आप लोग सारे राइट दे रहे हो सिंगलीस के लिए लेकिन तमिल्स के लिए कुछ दे ही नहीं रहे हो, प्लीज़ भैया सुनो हमारी भी कुछ करो हमारे लिए। तमिल लोग ऐसा बोलते हैं, चले आते हैं घर पे सिंगलीस से, लेकिन सिंगली जो होते हैं वह फिर भी तमिल्स के लिए कोई काम नहीं करते हैं। तमिल लोग देखते हैं यार कोई बात बनी नहीं, तो तमिल लोग फिर से आएंगे सिंगली के पास और कहेंगे भैया कुछ देख लो यार, थोड़ा हमें भी कुछ दे दो राइट वाइट। सिंगली लोग फिर इन्हें नहीं देंगे और मना कर देंगे कि आपको हम नहीं दे सकते, जो हम दे रहे हैं वो आपके लिए बहुत है, इससे ज़्यादा हम आपके लिए नहीं देंगे। तो तमिल लोग देखेंगे यार इस तरीके से तो हम लोग पिछड़ जाएंगे, हम लोग इनसे बहुत पिछड़ जाएंगे, और एक दिन तो ऐसा होगा कि हम इनके नौकर बन जाएंगे, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा होगा, हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे एक दिन के नौकर बन जाएंगे, क्योंकि हम लोग इनके एजुकेशन में तो पिछड़ ही चुके हैं, एजुकेशन में सिंगली लोगों की गवर्नमेंट है, सिंगली को ही एजुकेशन पर फोकस कर रही है, हमारे पे तो फोकस ही नहीं कर रही, फिर और भी कई बात होंगी। तो तमिल इससे नाराज हो जाएंगे, तमिल कहेंगे देखो बेटा ऐसा चलेगा नहीं सिंगली लोगों से, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तमिल लोग आपस में मीटिंग करेंगे और कहेंगे ऐसा करते हैं हम लोग एक वॉर छेड़ देते हैं, क्या करते हैं वॉर, ठीक है ना। तो तमिल लोग क्या करेंगे आपस में मीटिंग करेंगे और कहेंगे नाउ द ओनली ऑप्शन इज़ वॉर, अगर हमारे लिए अपने राइट चाहिए तो हमारे लिए वॉर करनी पड़ेगी, और वॉर कैसी दोस्तों, सिविल वॉर, ठीक है, गृह युद्ध, मतलब अपने घर के अंदर ही वॉर हो जाएगी, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, तमिल लोग सिंगलीज के खिलाफ में सिविल वॉर छेड़ देंगे, ठीक है, और जब सिविल वॉर छेड़ देंगे तो होगा क्या कि जो तमिल लोग हैं उनकी सुनी जाएगी और फिर तमिल लोगों के लिए भी राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको सुनाई है दो देशों की स्टोरी है, और इन दोनों स्टोरी में आपने महसूस किया होगा कि अगर पावर शेयरिंग होती, अगर हम लोग बेल्जियम में पावर शेयर कर देते या फिर हम लोग श्रीलंका में पावर शेयर कर देते, तो यहाँ पर जो लड़ाई की स्थिति, जो सिविल वॉर की स्थिति उत्पन्न हुई है, ये दोस्तों नहीं उत्पन्न होती। और अगर किसी देश के अंदर लड़ाई की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका फ़ायदा दोस्तों दूसरे देश होते हैं वो उठा लेते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि उस देश की किसी एक जगह के लिए वो अपने अंतर्गत ले लें, ठीक है, बात समझ में आ रही है। आपने देखा होगा जैसे कि यूएसए ने अफगानिस्तान में किया, वहाँ पर सिविल वॉर चल रही थी अफगानिस्तान में, तो वहाँ पर यूएसए पहुँच गया दादागिरी में और बोला तुम लोग हटो, तुम किसी से नहीं चलना अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को मैं चलाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, दूसरे देश मौका ढूंढते हैं कि कैसे इनके देश में लड़ाई हो, और जब लड़ाई होगी दूसरा देश अगर आपके देश के अंदर आता है दोस्तों, तो ये क्या होगा, आपके देश की जो यूनिटी है वो दोस्तों भंग होती है, इससे आपके देश की जो यूनिटी है, जो एकता है, भंग होती है, ठीक है। और यूनिटी दोस्तों किसी देश की अगर भंग हो गई तो समझ लो फिर वो पूरा देश ही भंग हो गया, पूरा देश ही बर्बादी की ओर चला गया, ठीक है। और हम लोग तो इंडियंस हैं, हमारे संविधान में लिखा हुआ भी है कि हम लोगों को यूनिटी बना के रहना है, एक दोस्तों एकता के माध्यम से हमें चलना है, ठीक है। तो ये रहे दो देशों के एग्जांपल आपके सामने, और मैंने आपको समझाया कि अगर इन दो देशों में पावर शेयरिंग हुई होती तो जो आपस में लड़ाई हुई वह लड़ाई नहीं होती, यानी कि दोनों देश जो टूटने के कगार पर आ गए वो कभी भी नहीं टूटते दो दड़ों में, ठीक है। और जब दो दड़ों में टूट जाते हैं तो कभी कभार तो ऐसा होता है दो देश आपस में कहने लगते हैं कि ये देश जो है हमारे दो देश बना दो, ठीक है, एक देश अलग और एक देश अलग। जैसे कि आपने देखा होगा पहले क्या था कि पाकिस्तान दो थे, ईस्टर्न पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आपके भाषाओं का यहाँ पे अंतर था, ईस्टर्न पाकिस्तान में अलग भाषा बोली जाती थी, वेस्टर्न पाकिस्तान में अलग भाषा बोली जाती थी, ठीक है। ईस्टर्न पाकिस्तान में दोस्तों बोली जाती थी आपकी बंगाली, और जो दोस्तों वेस्टर्न पाकिस्तान था यहाँ बोली जाती उर्दू, कौन सी बोली जाती थी यहाँ पे, उर्दू भाषा, ठीक है। अब यहाँ पर भाषा का अंतर था, तो इसी वजह से इन लोगों में भी दोस्तों कन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि जो पाकिस्तान था
ईस्टर्न पाकिस्तान था जिसको हम आज पाकिस्तान कहते हैं, उसने जो वेस्टर्न पाकिस्तान था जो हमारा वेस्टर्न पाकिस्तान था जिसे आज हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, उसको कोई भी राइट देने से इनकार कर दिया। उसने कहा भैया आपके लिए हम कोई राइट नहीं देंगे, अगर पीएम बनेगा तो वो हमारे ईस्टर्न पाकिस्तान का ही होगा, सॉरी वो हमारे वेस्टर्न पाकिस्तान का होगा, ईस्टर्न पाकिस्तान का नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा सिविल वॉर चली, फिर इसके अंदर मुक्त वाहिनी सेना आई, फिर इसमें इंदिरा गांधी जी का रोल था, वो बातें अलग हैं, आप लोग जब बड़े क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, या फिर अगर आप आईएएस पीसीएस तैयारी करते हो तो आपको समझ में आएगा, या फिर अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से आते हो तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर वहाँ पर भी प्रॉपर पावर शेयर कर दी जाती, अगर जो वेस्टर्न पाकिस्तान था जिसे आज हम लोग पाकिस्तान कहते हैं, अगर वहाँ का जो लोग होते वो कह देते कि चलो अच्छा ईस्टर्न पाकिस्तान जो है तो हमारा हिस्सा, तो वहाँ का पीएम बन जाए, हमें क्या दिक्कत है, वहाँ का पीएम बन ले। लेकिन जो वेस्टर्न पाकिस्तान थे उन्होंने कभी नहीं चाहा कि ईस्टर्न पाकिस्तान का कोई बंदा जो है वो कभी पीएम बने, यानी कि उन्होंने कभी पावर शेयर करने के बारे में सोचा नहीं। तो उससे भी दोस्तों क्या हुआ, या लड़ाई हुई आपस में, लड़ाई हुई तो फिर जो एक देश था पूरा उसे दो हिस्सों में बंटना पड़ा, एक बन गया दोस्तों पाकिस्तान, दूसरा बन गया बांग्लादेश। तो जब इस तरीके की सिविल वॉर होती है पावर ना देने के पीछे, तो इस तरीके की लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, चलो मैं आपको ज़्यादा राम कथा नहीं सुनाऊंगा, अब मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ नोट्स पे। तो ये पावर शेयरिंग का दूसरा पार्ट, और ये रहे दोस्तों इसके नोट्स। ठीक है, देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी पढ़ा दूं, ठीक है, तो यार फिर तुम मत लेक्चर देखो यार, क्या करो एनसीईआरटी हिंदी में ले लो इसकी और सब पढ़ लो। ठीक है, लेकिन अगर आपको समझना है यार, ठीक है ना, अगर आपको अच्छे समझना है, अगर आपको रट्टा मार मरना है, तो भाई आपकी इच्छा है कि आप लोग क्या करो, जो यूट्यूबर जो वीडियो डालते हैं 33 मिनट की, उसमें पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं, आप यार उनको देख लो। लेकिन मेरे पास दोस्तों क्या है कि मैं आपके जो बेसिक है वो बहुत ही अच्छे से बिल्डअप कर दूंगा, एसएसटी में आपको इतना तैयार कर दूंगा ना कि आप कहोगे सर अब तो आग लगा देंगे। ठीक है, अब तो आग लगा देंगे, अब तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, समझ में आता। यानी कि यार मेरा देखो काम क्या है, मैं आपको दोस्तों काम कराता हूँ कॉन्सेप्ट, मैं पहले बता दे रहा हूँ मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट पे काम कराना। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि ये अपना काम चलता है दोस्तों कॉन्सेप्ट पे, अगर आप लोग चाहते हो कि दोस्तों मैं आपको बस एनसीईआरटी करवा दूँ और किसी तरीके से आपको रटवा दूँ, तो यार ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए दोस्तों मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, ये चीज़ अपने पास नहीं हो पाएगी, अपने पास दोस्तों पाएगा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट भी ऐसा जो खतरनाक होगा, समझ रहे हो, कैसा खतरनाक कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट जो तुमने ना से पहले सुना होगा, ना पढ़ा होगा, ना कभी देखा होगा, समझ गए, खतरनाक कॉन्सेप्ट। जितने तुम टीचरों से पढ़ते हो ना भाई, जो तुम्हें एसएसटी पढ़ा रहे हैं, कसम से बता रहा हूँ किसी को एसएसटी का ए भी नहीं आता है। ठीक है, किसी बंदे को एसएसटी का, मैं सही बता रहा हूँ, ए भी नहीं आता, बस रट्टा मार पढ़ाओ, 10 क्वेश्चन दे दो बच्चों के लिए, भाई याद कर लेंगे, पेपर में आ गए तो जय हो, और नहीं आए तो फिर मर जाओ। ठीक है, तो मेरा प्रयास ये नहीं है, आई वॉन्ट कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से करो। ठीक है, आप लोग अच्छे समझो, जितने भी यूट्यूबर्स अगर उनके चक्कर में पड़े रहोगे यार, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, सीधे सीधे वो आएंगे एनसीईआरटी पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। ठीक है, हालांकि कुछ बहुत अच्छे टीचर भी हैं मेरे देश के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, लेकिन होता क्या है यार, आजकल बच्चे भी तो रट्टे मार हो चुके हैं, हमारे देश में ऐसा नहीं कि सारे टीचर्स एक ही तरीके के हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन आजकल बच्चे भी तो रट्टा मार हो चुके हैं, तो सोचते हैं हम लोग क्यों इतना दिमाग लगाएं, आएंगे हम भी रट्टा मारेंगे चले जाएंगे, हम भी कह देंगे लो बेटा जे लो एनसीईआरटी पढ़ लो, इसी से तुम्हारा भला हो जाएगा, तो वो भी लोग नहीं चाहते फिर वो दिमाग लगाएं आपके लिए, वो भी कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो और जाओ बेटा गंगा जी में तुम्हारा स्नान हो गया, तुम पास हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे यार मेरे साथ कभी ये मत करना कि बेसिक की बात करो। अच्छा एक बात और, आप में से अगर कोई बंदा मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहता है, जिसमें सारा स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड कराता हूँ, जो पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपने व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप लोग नोट कर लीजिए, आप में से ज़्यादातर के पास तो होगा ही, लेकिन नहीं है अगर तो आप लोगों को मैं नंबर दे रहा हूँ अपना, इस नंबर से आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए और मुझे बता दीजिए कि आप कौन है, अपना नाम बता दीजिए और अच्छा होगा अपना फ़ोटो भी दिखा दीजिए। ठीक है, तो 9536888894, ठीक है ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस पर मैसेज डाल दीजिए, आपको नोट्स वगैरह और जो भी एडिशनल स्टडी मटेरियल है वो भी मैं आपको वहीं पर देने वाला हूँ। चलो, तो ये रहा नोट्स। अब बेल्जियम है दोस्तों, बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है, बात की जाए जो हरियाणा की पॉपुलेशन उससे आधी पॉपुलेशन, इसके लिए वो 1 करोड़ पॉपुलेशन है। यहाँ पे जो पूरा मुद्दा है वो ये है कि यहाँ पर 59% लोग कैसे थे जो डच बोलते थे, और 40% कैसे लोग थे जो फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, और रिमेनिंग परसेंट थे दोस्तों जर्मन बोलते थे। ठीक है, कैसे थे जो जर्मन बोला करते थे। ठीक है, 59% ऐसे जो डच बोलते थे, 40% ऐसे जो फ्रेंच बोलते थे, 1% ऐसे जो जर्मन बोलते थे।
आया क्या है दोस्तों, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल बर रिच एंड पावरफुल, सो दे गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। अब देखो यहाँ पे जो फ्रेंच लोग थे, ठीक है, फ्रेंच लोग वो क्या थे दोस्तों, आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंच लोग अपनी गवर्नमेंट बना ले जाते हैं और फ्रेंच लोग अच्छे से पावर को इन्जॉय करते हैं, बट डच लोग जो होते हैं वो बेचारे बड़ी भी दिक्कत में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंच लोग क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे और अपना एजुकेशनल डेवलपमेंट करेंगे। इसकी वजह से होगा क्या, जो डच लोग हैं वो देखेंगे यार ये तो इनकी बड़ी गंदी आदत है यार, मतलब हमारे लिए तो पावर ही नहीं दे रहे, सारी पावर अपना इंजॉय करे जा रहे हैं, हम लोग क्या करें, हम क्या यहाँ नाटक देखने आए हैं यार, हमारे लोगों को तो पावर दो, ये तो बात गलत है फ्रेंच वालों यार। तो फिर इनके बीच में 1950-1960 में टसल खड़ी हो जाएगी फ्रेंच और डच वालों के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर नक्शा आपको दिखा चुका हूँ, तो एक बार फिर से आपको दिखा के आपका टाइम नहीं खराब करूँगा, ठीक है। चलो तो वी शुड मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे अकोमोडेशन बेल्जियम, देखो बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में वो होगा दोस्तों ये कि यहाँ पे जो बेल्जियम है उसमें जो गवर्नमेंट बनती है दोस्तों उसके बीच में एक अंतर आ जाता है फ्रेंच और डच वालों में। फ्रेंच वाले कहते हैं भैया हमारे लिए कुछ कर लो, डच वाले कहते हैं हमारे लिए कुछ कर लो, गवर्नमेंट बन जाती है फ्रेंच वालों की तो वो अपने लिए कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो बेल्जियम के लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उस समय पर, वो देखते हैं यार ये तो बात गलत है, ऐसे तो डच जो है वो कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे, हम लोग जो डेमोक्रेसी है उसकी असली परिभाषा को प्ले कर नहीं पाएंगे। इस वजह से यहाँ पर दोस्तों कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जाते हैं, उनका जो संविधान होता है उसके अंदर करते हैं अमेंडमेंट, और उसमें साफ साफ लिख दिया जाता है चाहे डच हो चाहे फ्रेंच हो, दोनों के जो मिनिस्टर बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल बनेंगे। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर इक्वल बनेंगे तो इससे होगा क्या, 50 मंत्री हैं टोटल, 25 फ्रेंच के 25 डच के हैं, तो 25 फ्रेंच के फ्रेंच वाले लोगों को काम करेंगे, 25 डच वाले डच वाले लोगों के लिए काम करेंगे, तो इससे क्या होगा कि बराबर का काम होगा, 25 फ्रेंच वाले लोग काम कर रहे हैं, 25 डच वाले लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर काम कैसा होगा, बराबर का होगा, तो यहाँ पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर क्या होगा, स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ नंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दिस इज नो सिंगल कमिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। अब यहाँ पर किया गया क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक मान लीजिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट कोई मैटर पे नियम बनाना है, जैसे कि आज हमें नियम बनाना है कि देश के अंदर 30 तो बहुत हो गया, 20 साल से कम के लोग शादी नहीं करेंगे, ठीक है, 20 साल से कम के लोग शादी नहीं करेंगे, तो ये क्या है दोस्तों, एक स्पेशल मैटर है, ये एक स्पेशल इशू है। तो ये जो स्पेशल मैटर है या फिर जो स्पेशल इशू है आपका, इस स्पेशल मैटर या फिर स्पेशल इशू के लिए किसी भी लिंग्विस्टिक, चाहे फ्रेंच बोलता हो चाहे डच बोलता हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंच और आपके जो डच हैं इन दोनों को मेजोरिटी में साबित करना पड़ेगा ये कानून बनाए कि ना बनाए, यानी कि अगर 50 टोटल हैं, यहाँ को रेस कर देता हूँ, माने कि टोटल 100 मंत्री हैं अगर, तो 50 बन की रजामंदी होनी चाहिए इस कानून को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि डच वाले कहें चलो मैं अपने एरिया बना देता हूँ, मेरी रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि शादी 20 साल से पहले नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और जर्मन वाले कहें कि मेरी में तो लिखा हुआ है 15 से पहले कर लो, तो ये लोग अपने रिलीजियस बेसिस पे बनाने लगे कानून, तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा देखो जो भी इंपॉर्टेंट मैटर है, जो भी देश के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें मेजोरिटी का जरूरी है, अगर मेजोरिटी हामी भरती है तभी उसको बनाया जाएगा, वरना उसको नहीं बनाया जाएगा उस कानून के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है दोस्तों वो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबजेक्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो हमारे भारत में क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत आती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कौन सी गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के अंतर्गत आते हैं योगी जी। लेकिन यहाँ पे कहा गया ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सेपरेट होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट सेपरेट होगी, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, द कम्युनिटी गवर्नमेंट। देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है, गांव होते हैं, तो गांव में क्या होता है, आपने देखा होगा एक पंच होता है, ठीक है, पंच होता है जैसे हम लोग प्रधान भी कहते हैं, तो जो पंच होता है ये दोस्तों तीसरी गवर्नमेंट का काम करता है, पहली सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर दूसरी आपकी दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट, तीसरी आपकी पंचायत, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर के बेसिस पर कानून बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के बेसिस पर कानून बनाती है, और जो रूरल गवर्नमेंट होती है जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों आपका पंचायत, वो गांव के लेवल पर कानून बनाती है। तो यहाँ पे कहा गया कि ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो होंगी, यहाँ पर दोस्तों गांव के लिए गवर्नमेंट होगी, और यहाँ पे जो गांव की गवर्नमेंट को नाम दिया गया उसे कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या कहा गया, आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। और आपको पता है ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होगी दोस्तों, ये इलेक्ट करी जाएगी किसी एक भाषा के बोलने वालों के द्वारा, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरा एक गाँव है, अब इस गाँव के अंदर फ्रेंच लोग बोलते हैं, ठीक है, फ्रेंच बोलते हैं, अब फ्रेंच जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो क्या करेंगे, अपना जो प्रधान है उसको चुन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीनों भाषा है डच फ्रेंच जर्मन, ठीक है, डच फ्रेंच और जर्मन, वैसे आपकी डच और जर्मन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी फ्रेंच जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में कहीं कहीं पर बेल्जियम में बोली जाती थी, तो फ्रेंच भी है जो, सॉरी हाँ
जो आपकी बोली जाती थी। नो मैटर वेयर दे लिव, तो कोई मैटर नहीं वो कहाँ रहते हैं। चलो आपको दिखा देता हूँ ये भाषा कहाँ बोली जाती थी, इससे आपको कोई और कन्फ्यूजन मैं चाहता हूँ ना खड़ा हो आपके दिमाग में। देखो मेन बात तो वही डच की दोस्तों और आपकी फ्रेंच की, बाकी जो आपकी भाषा है जर्मन दोस्तों, वो जर्मन इस एरिया में बोली जाती थी, ठीक है, इस वाले एरिया में। तो जर्मन का जो इलाका है, फ्रेंच का जो इलाका है, और जो आपके तीसरी लैंग्वेज का जो इलाका है, ठीक है, जर्मन, फ्रेंच और डच, तीनों लोग क्या करें अपने अपने गांव के अंदर अपने अपने पंच को चुन लें। तो ये कानून बनाया गया इस अमेंडमेंट में, ठीक है। बाकी दोस्तों हम चलते हैं श्रीलंका पे। श्रीलंका की स्टोरी मैंने आपको बताई थी पूरी, एक बार फिर बता देता हूँ। ये दोस्तों श्रीलंका जो है वो एक आइसलैंड नेशन है। आइसलैंड मतलब ऐसा देश है, इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ लगभग हरियाणा के बराबर है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो ये श्रीलंका है, यहाँ पर सिंगली लोग मेजोरिटी में है, 74% है, जो वहाँ से सिंगली बोलते हैं वो 74% है, और जो तमिल बोलते हैं 18% है, यानी कि इनसे तो बहुत ज़्यादा कम है। अब यहाँ पे सिंगली में तमिल में दो सब ग्रुप्स हैं, एक को बोलते हैं श्रीलंकन तमिल, एक को बोलते हैं सो इंडियन तमिल, ठीक है। अब आपके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो सिंगली कम्युनिटी है उसकी गवर्नमेंट बनती है, और जितनी भी पावर मिलती है वो सबके सब उसी को मिल जाती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा क्या कि देखते हैं आगे क्या है। आगे दोस्तों श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट होता है 1948 में, ठीक है, और सिंगली कम्युनिटी क्या करती है दोस्तों, अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। क्या बना लेती है? गवर्नमेंट। अब जब इसकी गवर्नमेंट बन जाएगी तो ये किसके लिए काम करेगी? सिंगली के लिए काम करेगी, ठीक है। तो सिंगली के लिए काम करेगी, लिखा हो इनक्रीज द फीलिंग ऑफ रिलेशन टू अमंग द श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। तो सिंगली के लिए काम होगा, द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ रिलेशन अमंग द तमिल। तो यहाँ पे किसके लिए काम होगा दोस्तों? सिंगली के लिए काम होगा। श्रीलंकन तमिल फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल राइट, पॉलिटिकल राइट। अब यहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल सोएंगे, तमिल कहेंगे यार ये बात तो गलत है यार, सिंगली लोग तुम सब मजा ले पड़े हो, तुम सब लोग मजा ले रहे हो और हमारे लिए तो कुछ है नहीं, हमारे लिए तुम लोग हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ये तो गलत है यार। तो डिस्क्रिप्टिव अंगेज देम गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इन देयर इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगली लोगों की मौज होगी, इन्हें जॉब वॉब मिलेगी, इनके लिए अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन जो तमिल्स लोग होंगे उनके लिए दोस्तों कोई खास सुविधा नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से परेशान हो जाएंगे, जिसकी वजह से श्रीलंका एक सिविल वॉर को देखेगा, ठीक है। तो हमारे श्रीलंका में क्या होगी, सिविल वॉर हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, जो आपके तमिल लोग हैं वो गरीब हो जाएंगे। तमिल लोग क्यों गरीब हो जाएंगे आपको पता है, क्यों गरीब होंगे यार, सिंपल सी बात है मेरे भाई, तमिल लोगों के लिए आप राइटिंग नहीं दे रहे हो, जॉब ही नहीं मिली उनको, जॉब नहीं मिली तो पैसा उनके हाथ में कहाँ से आएगा, पैसे नहीं आएगा तो वो गरीब हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो तो श्रीलंका तमिल क्या करेंगे दोस्तों, एक सिविल वॉर लॉन्च कर देंगे, और इसमें मांग करेंगे तमिल से कि भैया हमारे लिए भी एजुकेशन दे दो, हमारे लिए भी जॉब दे दो, इतना यार हमारे साथ यार बुरा मत करो यार, भैया यार देखो मान जाओ, ऐसा मत करो यार। और उसके बाद में देयर डिमांड वॉज रिपीटेड डिनाइड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो तमिल लोगों की जो डिमांड होती है उसको डिनाई करेगी, मना करेगी, कहेगी निकलो यहाँ से, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, तमिल लोग सिविल वॉर छोड़ देंगे, ठीक है। अब जब सिविल वॉर छोड़ी जाएगी तो देखो क्या होता है, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं यहाँ पे दोस्तों, जब ये सिविल वॉर होगी, आपको पता है कोई भी वॉर होती है हर देश आता है वॉर से अलग रहा है। इस समय चाइना यूएसए में बड़ा टसर चल रहा है, अपने इंडिया में चाइना टसर चल रहा है, ईरान यूएसए टसर चल रहा है, ठीक है, और भी कई सारे देश हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। ये दोस्तों कोई देश नहीं चाहता कि वॉर हो, क्योंकि वॉर से हर कम्युनिटी का दोस्तों नुकसान होता है, एक कम्युनिटी का नहीं सभी का नुकसान होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब वॉर होगा तो बहुत सारे लोगों को भगा दिया जाएगा देश से, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को भगा दिया जाएगा देश से, ठीक है। अभी सिविल वॉर खत्म होगा दोस्तों 2009 में, ठीक है, और जब खत्म होगा तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा लॉस होगा आपका इकोनॉमी का, क्योंकि कोई वॉर होगा फ्री में तो लड़ नहीं लोगे, आपके लिए पैसा चाहिए। यहाँ पर बोथ कंट्रीज जो होंगी दोस्तों डेमोक्रेटिक्स, बट दे आर डेल्ट डिफरेंटली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। अच्छा यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है हमारे लिए कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। वॉट हैव यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब देखो आपने देखो दोनों देश डेमोक्रेटिक थे, लेकिन यहाँ पे पावर शेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बेल्जियम द लीडर हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ कंट्रीज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। बेल्जियम में मैंने आपको बताया कि वहाँ के जो नेता थे उन्होंने देखा यार, उन्होंने कहा अगर हम लोग एक कम्युनिटी के लिए राइट नहीं देंगे यार तो फिर तो देश के दो टुकड़े हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन श्रीलंका में क्या होगा, ये लोग तो होशियार थे बेल्जियम वाले, इनके नेता समझ गए कि ये गलत है, हमारे लिए राइट देने पड़ेंगे, मतलब देश के दो टुकड़े होने ही होने हैं। लेकिन श्रीलंका के जो गवर्नमेंट होती है वो उस बात को नहीं समझती है और अल्टीमेट देश एक सिविल वॉर को देखता है, ठीक है, देश को सिविल वॉर तक जाना पड़ता है जिससे देश का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। अब ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, बाकी यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है गाइस। अगर आपको दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मेरा फ़ोन नंबर है, आपको इस पर कॉल तो कभी नहीं लगानी है, कॉल आप इस पर नहीं लगाओगे, आपको बस क्या करना है, ये जो है आप इसको व्हाट्सअप कर दोगे, ठीक है, क्योंकि जो नंबर है ये मैं नहीं चलाता हूँ, ये नंबर एक दूसरा लड़का चलाता है, दोस्त चलाता है मेरा, लेकिन इस नंबर की जो व्हाट्सअप है वो मैं ही यूज़ करता हूँ। तो
तो अगर आप इस पे मसल डाल देंगे तो सीधे मेरे तक पहुंच जाएगा और मैं आपसे आराम से बात कर पाऊंगा, ठीक है। आपकी जो समस्या होगी उसको हम लोग आपस में डील कर लेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ लेक्चर को एंड करता हूँ। थैंक यू।